हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे आपके लिए क्लास टेंथ के हिंदी का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आइए विलम्ब न करते हुए आगे के पदों पर हम सूरदास के आगे के पदों पर ध्यान देंगे। देखिए, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य था और पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। आइए इनके बारे में, इनके पदों को हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं, मैया हो ना चरही हो गाई, सिगरे ग्वाल घी रावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्या हूँ पूछी बल दाम हूँ, आपनी सोह दिवाई, यह सुनी माई जर सोदा ग्वालनी, गारी दे तरिसाई, मैं पठवती अप ने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मुहि अति है बालक, मारत ताही रिजाई। मित्रों, ऊपर के पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने के लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे ही दिन कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। कितना सुंदर वर्णन है कवि का, बाल दशा है भगवान कृष्ण की। कहते हैं, मैया हो न चरही हो गाई, हे माँ, मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा भाई? कहते हैं, सिगरी ग्वाल की रावत मोसो, मेरे पाई पिराई, हे माँ, सारे ग्वाल बाल मुझी से ही गाय घिरवाते हैं और गायों को घेरते घेरते मेरा पांव दर्द करने लगता है। कहते हैं, जो न पत्या हूँ पूछी बल दाम हूँ, आपन सोह दिवाई। कहते हैं कि हे माँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू बलदाऊ भैया से पूछ ले, लेकिन उन्हें अपनी कसम दे के पूछना, क्योंकि वो भी झूठ बोलते हैं। कहते हैं, यह सुनि माय सोदा ग्वालनी, गारी दे तरिसाई। यह सुनते ही यशोदा मैया ग्वाल बाल और गोपियों को गारी देती हुई घर से बाहर निकलती हैं। कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि थोड़ा सा गाय चराने जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा, लेकिन ये ग्वाल बाल सब मिलके उसी से गाय घिरवाते हैं। कहती हैं, सूरदास मेरो अति है बालक, मारत ताही। सुधा जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा कृष्ण तो अभी अत्यंत छोटा बालक है और ये सब उसे चिघा मारते हैं। पुनः देखेंगे, कहते हैं, मैया हो न चरही हो गाई, हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। कहते हैं, सिगरे ग्वाल घी रावत मोसो, मेरो पाई पिराई, सारे ग्वाल बाल मुझी से गाय घिरवाते हैं और गायों को घेरते घेरते मेरे पांव दुखने लगते हैं। कहते हैं, जो न पत्या हूँ पूछी बल दाव हूँ, आपन सोह दिवाई, हे माँ,
यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन अपनी कसम देके पूछना, वो भी झूठ बोलता है। यह सुनी माय सोदा ग्वालनी गारी दे तरिसाई। यह सुनते ही यशोदा मैया ग्वाल बाल गोपियों को गाली देती हुई घर से बाहर आती हैं, कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने छोटे कृष्ण को, बालक को इसलिए भेजती हूँ कि ये गाय चराने जाएगा तो थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा। कहती हैं, सूरदास मेरो अति है बालक मारत ताही रिधाई। सूरदास जी करें, गोपियाँ कर रही हैं, यशोदा मैया कर रही हैं कि कृष्ण मेरा अत्यंत छोटा सा बालक है और ये सब उसे चिढ़ा मारते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। कहता है, सखी रे मुरली ली जय चोरी। भ्रमर गीत का पद है दोस्तों। गोपियाँ कृष्ण बड़े हो चुके हैं और गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से जल रही हैं। कुछ गोपियाँ सखियाँ आपस में इकट्ठा हैं और बातें कर रही हैं, उसी का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। कहते हैं, सखी रे मुरली लीजे चोरी जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी। सखी रे मुरली लीजे चोरी छिनैक घर भी तरनी सिवा सर धरतन कबहू छोरी कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू को सत जोरी। आगे कहते हैं, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग किडोरी। सखी रे मुरली ली जय चोरी। एक सखी दूसरी सखियों से कहती है कि हे सखी चलो हम लोग बांसुरी को ही चुरा लेती हैं। काहे भैया? कहती हैं, जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी। जिस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है, चलो हम उस बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। एक गोपी कहती है, कैसे चुड़ाओगी बताओ, बोल बोल कैसे चुड़ाएगी बता। कहती है, छिन एक घर भी तरनी सिवा सर धरतन कबहू छोरी। हे सखी, वो तो क्षण भर के लिए भी, न घर के भीतर न घर के बाहर, न रात में न दिन में, कभी भी अब बांसुरी को अपने से दूर नहीं रखता। कहती है, कबहू कर कबहू अधिरन कटी कबहू खो सत जोरी। कभी वो बांसुरी को अपने हाथों में लिया रहता है, कभी उसे अपने होठों पे रखा रहता है, तो कभी उसे अपनी कमर में खोस लेता है। कहती है आगे, कि ना जानो कछु मिल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। एक गोपी कहती है कि न जाने उस बांसुरी से उसका कौन सा रिश्ता है जो उसे वह अपने अंग अंग से लगाए रखता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोरी।
सुविधा करे कि गोपी करी कि ऐसा लगता है कि मन ही मन कृष्ण ने उसे अपने मन की प्रियतमा बना लिया है, सजनी बना लिया है, इसीलिए वह उन्हें प्रेम की डोरी में बांधे रखती है। तो ना देखेंगे, कहते हैं सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखी चलो हम बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। जीनी गोपाल किन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, चलो हम उस बांसुरी को चुरा लेते हैं जिस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। कहती हैं छिन एक घर भी तरनी सिबासर धरत न कबहू छोरी, एक सखी कहती है कि हे सखी बांसुरी को कैसे चुराओगे, वो तो एक क्षण के लिए भी न घर के भीतर न घर के बाहर न दिन में न रात में कभी भी बांसुरी को छोड़ता नहीं, अपने से दूर नहीं रखता। कहती है कि कबहू कर कबहू अधिर न कटी कबहू खोसत जोरी, कभी वह उसे अपने हाथों में लिया रहता है, कभी उसे अपने अधरों पे रखता है, तो कभी अपने कमर में, कटी मतलब कमर होता है मित्रों, तो कभी उसे अपने कमर में खोस लेता है। एक सखी कहती है ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग डोरी, एक सखी कहती है न जाने उस बांसुरी से उसका कौन सा रिश्ता है जो उसे वो अपने अंग अंग से लगाए रखता है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधो राग की डोरी, सूरदास कहते हैं कि एक गोपी कहती है कि ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उसे मन ही मन अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी मान लिया है, इसीलिए वो कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांधे रखती है। आगे देखेंगे दोस्तों, कहते हैं उधो उधो मोही अब ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल बन पवन सघन कुंज की छाही, उधो मोही अब ब्रज बिसरत नाही प्रात समय मा ताज सुमती अरु नंद देखी सुख पावत माखन रोटी दहो सजायो अतहित साथ खेवावत, उधो मोही अब ब्रज बिसरत नाही गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन तो ही तजदुतात, उधो मोही अब ब्रज बिसरत नाही। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उधो मोही ब्रज बिसरत नहीं है, अब मैं केवल लय बनाने के लिए लगा रहा हूँ, इसमें दिया नहीं है, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। कहते हैं कि उधो मोही अब ब्रज बिसरत नहीं, हे उधो बाबा, कृष्ण कह रहे हैं उधो से कि हे उधो बाबा मेरे मन से ब्रज की याद नहीं जा रही है। कहते हैं वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, हे उधो बाबा वो प्यारा सा वृंदावन, वो गोकुल धाम, वो प्यारा प्यारा वहाँ की, वो प्यारी प्यारी वहाँ की फुलवारियाँ और वो कुंज के पुष्प की घनी छाया, आह कितना आनंद आता था, उनकी मन से याद नहीं जा रही है। कहते हैं प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, सुबह सुबह ही मैं यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर परम आनंद की प्राप्ति कर रहा था। आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप साहित्य खराब हो गए, हाँ
और यहाँ परम आनंद मिल रहा है। कहते हैं माखन रोटी दहो सजायो अतहित सार्थक बात। हे उद्धव बाबा, जब मैं ब्रज में रहता था तो यशोदा मैया और नंद बाबा मुझे बड़े प्रेम से माखन रोटी और सजाव दही बड़े प्रेम पूर्वक मुझे खिलाते थे। कहते हैं गोपी बाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरा। मैं ब्रज में जब रहता था तो गोपी ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलता था और खेलते खेलते मेरा पूरा दिन बीत जाता था। आहा, कितना आनंद था। कहते हैं सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन तो ही तजदता। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी चिंता स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं। पुनः देखेंगे मित्रों उधो मुही अब ब्रज विसरतना। पुनः दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मैं केवल लय के लिए लगा रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, यहाँ अब का प्रयोग नहीं होगा। कहते हैं कि हे उद्धव बाबा, मेरे मन से ब्रज की याद नहीं जा रही है। कहते हैं वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वो प्यारा सा वृंदावन, वो गोकुल धाम और वो वृंदावन की सुंदर सुंदर फुलवारियाँ और उसमें वो कुंज के पुष्प के झाड़ियों की छाया जिसके नीचे बैठ के मैंने बांसुड़ी बजाया परम आनंद मिलता था उधो भैया। कहते हैं प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। हे उधो बाबा, मैं सुबह सुबह यशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर परम आनंद की प्राप्ति करता था या परम आनंद प्राप्त करता था। देखिए माता पिता ईश्वर के रूप होते हैं और बच्चों के जीवन में उनका बहुमूल्य स्थान है। आगे कहते हैं माखन रोटी दहो सजायो अतहित साथ खेवा। हे उद्धव बाबा, नंद मैया नंद बाबा और शारदा मैया मुझे सुबह सुबह माखन रोटी सजाव दही बड़े प्रेम के साथ बैठा कर खिलाया करते थे। कहते हैं गोपी बाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरा। मैं ब्रज में जब रहता था तो गोपी ग्वाल बालों के साथ पूरा दिन खेलता था और खेलते खेलते मेरा दिन बीत जाता। सिरात मतलब बीत जाना होता है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन तो ही तदुता। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी चिंता स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।